हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रमानवी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपने नए गैस स्टोव की अनबॉक्सिंग, जो बहुत ही पुराने ब्रांड की है। इसे लगभग लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। ये सूर्या ब्रांड है, जो पहले स्टील की दो बर्नर वाली चूल्हा आती थी। मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड के चूल्हे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे सब में सूर्या ही अच्छा लगा। ये कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का है और ब्रांड तो अच्छा है ही, काफ़ी पुराना और विश्वसनीय ब्रांड है। तो चलिए फिर हम इसे खोल करके देखते हैं कि हमारा चूल्हा कैसा है। देखिए, इसे खोलते ही सबसे पहले वारंटी कार्ड दिख रही है। वन ईयर की इसकी वारंटी है और ये सेफ्टी गैस पाइप है जो पैक्ड है। ये पतले प्लास्टिक से कवर है, इसे हम हटा लेंगे। और देखिए, इसके जो बर्नर है वो भी अच्छे से पैक किए हुए हैं। इसकी लुक्स बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा शाइनिंग दे रहा है। थ्री बर्नर वाला है। इसकी बटन अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक का है। इसका स्टैंड भी काफ़ी हेवी है, अच्छी क्वालिटी का है। इसका बर्नर वो भी काफ़ी हेवी है, जो अच्छा रहता है। देखिए, ये टफ्ट ग्लास है जो 50 kg तक लोड कर सकता है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये देखिए, ये टेस्टेड है। इसकी बटन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी लुक्स बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये अमर सूर्या कंपनी की है। ये टफ्ट ग्लास है, बहुत ही अच्छा लुक है। ये थ्री बर्नर वाला चूल्हा है, मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे अच्छी बात ये है कि चूल्हा बहुत ही कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का है। मैंने इसे 4300 में ख़रीदा है। तो चलिए अब इसकी नोजल पाइप देख लेते हैं। इसकी पाइप लगाने का जो है पीछे से है, जो बीच वाला बर्नर है जस्ट उसके पीछे है। इसकी लुक्स बहुत अच्छी है, शाइनिंग बहुत है। इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो फिर आइए, अब मैं इसे अपने किचन में सेट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने चूल्हा को सेट कर लिया है। इसे जस्ट चिमनी के नीचे रखा है।
तो फिर अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाऊंगी कि इस गैस स्टोव की लैंप कैसी है। तो ये देखिए, हमारा चूल्हा अच्छे से जल रहा है, इसकी लैंप भी बहुत अच्छी है। तो इसी बात पे चलते हैं, हम कुछ मीठा बना लेते हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। मीठा का नाम आते ही सबसे पहले सूजी का हलवा आता है कि सिंपल और इजी होता है, जल्दी बन जाती है। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसे गर्म करके उसमें देसी घी डाल रही हूँ ताकि उसकी टेस्ट अच्छी होती है। अगर आप घी कैसे बनाते हैं इसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये घी थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल लेंगे सूजी और अब इसे चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करेंगे। और बस 2 से 3 मिनट बाद ही हमारे सूजी देखिए रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे काजू, किशमिश और थोड़ी सी इलायची कुटी हुई। इसकी अच्छी फ्लेवर आती है, टेस्ट बढ़ जाती है। और इसे भी चलाते हुए 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, आपको जितना मीठा पसंद हो उसके हिसाब से चीनी ऐड कीजिए। और इसे थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी की मात्रा इसमें कम नहीं करें, नहीं तो सूजी अच्छे से पक नहीं पाएगी। मुझे इसमें अभी थोड़ी पानी कम लग रही है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ ताकि सूजी अच्छे से पके, कच्चा नहीं रहे। और उसके बाद इसे ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहेंगे। अगर आप इसे पूरा तरह से छोड़ देंगे तो ये नीचे पकड़ लेगा और जल भी सकता है, तो इसलिए ऐसे ही धीरे धीरे चलाएं, गाढ़ा हो जाएगा पेस्ट। देखिए अब इसमें की पानी ख़त्म हो रही है और हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। सूजी इसकी अच्छे से पक गई है। अब हमारा हलवा रेडी हो गया, हम गैस को कर देंगे ऑफ। हाँ, एक और बात जो है आपको बतानी है इस गैस चूल्हे के बारे में कि इसकी प्रिकॉशन जो है वो यूजर मैनुअल में लिखी हुई होती है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने कोई गरम गरम सब्जी बनाई और बर्नर से उतार करके इसके ग्लास पे रख दिया, या फिर आप कोई गरम चिमटा ही उठा करके इस पे रख देंगे, ऐसा करने से ये ग्लास टूट सकता है। और इसकी सफाई भी सावधानी से करें। आप जैसे खाना पकाएं और तुरंत ही इसे पानी वाले कपड़े से कभी नहीं साफ़ करें, इससे भी इसकी जो ग्लास है वो टूट सकती है। इसलिए ध्यान रखें, ऐसा कभी नहीं करें, पानी से साफ़ नहीं करें तुरंत ही। खाना पकने के कुछ देर बाद जब आपका गैस ठंडा हो जाए तब उसे साफ़ करें, नहीं तो आपकी गैस की जो ग्लास है वो क्रैक कर जाएगी।